वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है एक स्पेशल लर्निंग वीडियो ऑन रिक्वेस्ट जो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर किया था, बट आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विद एवरीबॉडी राइट नाउ। ये है एक इंडेक्स की रेंज कि इंडेक्स एक महीने में कितना मूव कर सकता है, एक वीक में कितना मूव कर सकता है, एक दिन में कितना मूव कर सकता है, चाहे वो मंथ हो, वीक हो या डे हो, कितना मूव कर सकता है उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, उसकी रेंज को आप ड्रॉ कर पाओ। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं उन सभी वीडियो के अंदर 100% इंफॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं दी होगी, और आपको जो इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाला हूं वो बेसिकली कई लोगों पेड बांटते हैं, मैं आपको सिर्फ फ्री दे रहा हूं एज अ लॉयल फॉलोअर ऑफ ट्रेडिंग तरुण। इट्स अ फ्री लर्निंग फॉर एवरीबॉडी। ये टॉपिक बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा ऑलरेडी उठाया, शुभाशीष भाई ने इसके अंदर इसके बारे में बात किया कि चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, पुष्कर सिंह ठाकुर ने इसके बारे में बात किया तो उसके चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उन्होंने पूरे तरीके से समझाया नहीं है। मैं आपको इसको पूरे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आज इन लेवल्स ने कितने खूबसूरती से काम किया है वो भी आपके सामने ये लगा हुआ है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और निफ्टी के भी डिलीट कर देता हूँ, निफ्टी के भी नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ये आराम से कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप देख सकते हो, सब चीजें आपको यहाँ पर आती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको देखते हैं कि किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। गाइस आप किसी भी इंडेक्स का मूवमेंट पता लगा सकते हो इन एडवांस के मार्केट कितना मूव करेगी ऊपर की तरफ, कितना मूव करेगी नीचे की तरफ, चाहे वो वीकली हो, मंथली हो, डेली हो, उसके हिसाब से। दिस कैलकुलेशन और दिस आइडेंटिफिकेशन और लेवल की जो ड्राइंग है वो हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ में हम कैसे कर पाते हैं, इंडिया विक्स की वजह से। इंडिया विक्स को हम मद्देनजर रखते हुए इसको करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा और उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, इवन अ 14 ईयर ओल्ड कैन अंडरस्टैंड। उससे पहले गाइस, शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आने वाले टाइम पर आपको और भी लर्निंग भरी वीडियोस मिलती रहे। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद गाइस, मेरा और ऐसी लर्निंग वीडियो को लाने का टारगेट है, बट इसके अंदर मुझे मैक्सिमम लाइक्स चाहिए वीडियोस को, आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि मैं मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आने की। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको लाइक करते हो, कमेंट करते हो और सब्सक्राइब करते हो। चलो आपको बताते हैं कि किस तरीके से मार्केट इंडिया विक्स के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं, और गाइस यहाँ पर आप गूगल भी करते हो इंडिया विक्स, ठीक है। अब इंडिया विक्स जो शुरू यहां पर देखते हो तो गाइस ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 11.65%। इसका मतलब है मार्केट, ये आपको ईयरली दिख कि मार्केट ईयर में एक साल के अंदर 11.65% ऊपर की तरफ एंड 11.65% नीचे की तरफ जाने का पावर रखती है। सिंपल हो गया, बहुत इजी हो गया। ये क्या है कि एक साल में कितना मूव कर सकती है मार्केट, एक साल में 11% मूव कर सकती है मार्केट ऊपर की तरफ और मार्केट नीचे की तरफ, दोनों 11.65% मूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको ईयरली तो ठीक है, हम इसको मंथली कैसे निकालें। तो मंथली निकालने के लिए क्या करना है गाइस, सिंपल सा कैलकुलेशन आपको क्या करना है, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। वीकली 52 वीक्स होते हैं, उसके थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। डेली की बात करें तो 365 डेज होते हैं, उसके हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ब्रेकआउट करना चाहो ना तो आवरली के भी निकाल सकते हैं, बट आपकी मैथमेटिक अच्छी होनी चाहिए, प्रोवाइडेड आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। अगेन आपको ईयरली मंथली वीकली से तो कोई लेना देना है नहीं, आपको क्या करना है, आपको वीकली के हिसाब से। तो हम उसको क्या करेंगे गाइस, अब मैं आपको पहले वीकली की कैलकुलेशन बताऊंगा,
उसके बाद मैं आपको डेली के कैलकुलेशन बताऊंगा, दोनों तरीके से आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लेवल्स बना सकते हो। सो गाइस आपको क्या करना है, आपको खोलना है कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर ले लेना, कैलकुलेटर ले लेना, और ये कैलकुलेटर आ गया, हमें चाहिए बड़ा वाला कैलकुलेटर। भाई तुम साइड में क्यों हो गए? मुझे चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर। चलो इस कैलकुलेटर में मुझे ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे, मैं तो गूगल का कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, दैट विल बी मच ईजियर, उसके सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ऑलरेडी। तो कैलकुलेटर ही आपको, ताकि आपको आपको भी समझ में आएगा किस तरीके से क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्वायर रूट निकालना है डेज का, 365 का जो डेज है, डिवाइडेड बाय, जब आपको वीकली निकालनी है तो आपको ये देखना है कि कितने ट्रेडिंग डेज से निकालना है। फॉर एग्जांपल हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी मूवमेंट निकाल रहे हैं कि लेट्स से फिनिफ्टी का है या बैंक निफ्टी का है कि थर्सडे से नेक्स्ट वीक थर्सडे तक मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। तो आपको ये देखना है इस थर्सडे से, मतलब फ्राइडे से लेकर अगले थर्सडे पिछले वीक में कितने ट्रेडिंग डेज है, आने वाले डेज में कितने ट्रेडिंग डेज है। ट्रेडिंग डेज कौन से होते हैं गाइस, हमारा ट्रेडिंग डेज होता है फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये टोटल हमारे कितने दिन हो गए, 5 दिन। ये 5 दिन का ट्रेडिंग डेज होता है, डिवाइडेड बाय कितना करना है आपको, 5। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपको नोट करके रखना है। हाँ, अगर किसी दिन छुट्टी है, मान लो मंडे की छुट्टी है, ट्यूसडे की छुट्टी है, तो उसके हिसाब से आपको ये 5 का 4 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। समझ में नहीं आया तो दोबारा से इसको रिकैप करके समझ लीजिएगा, रिपीट करके वीडियो को स्लो मोशन में देख लीजिएगा क्या हो रहा है। 365 डेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, जिसका वीक, जिस वीक का आप रेंज निकाल रहे हो उसमें कितने ट्रेडिंग डेज है वो आपको निकालना है। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं यहां पर, तो क्या निकल के आता है, स्क्वायर रूट 365 डिवाइडेड बाय 5 ट्रेडिंग डेज इज इक्वल टू 8.54444। तो हम पॉइंट के बाद दो नंबर ले लेंगे, 8.54 ये मेरा नंबर आ जाएगा। इस नंबर को मैं बोलता हूं मैजिकल नंबर। क्या नंबर है? मैजिक नंबर, ठीक है, मैजिक नंबर। हाइपोथेटिकली अगर मैं सेम एग्जांपल ले लूं और यहां पर लेने की कोशिश करूं, बोलूं कि यहां पर स्क्वायर रूट 365 और एक दिन के बीच में छुट्टी है, डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 वर्किंग डे थे उस दिन, 9.53 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये परसेंटेज निकालनी है, ये परसेंटेज जब निकलेगी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर, ठीक है। तुम्हारा मैजिक नंबर क्या है, 8.54, इसको आपको याद रखना है। नाउ अब क्या करना है, अब मुझे जाना है रेंज निकालने के लिए, तो मैं आ गया यहां पर रेंज निकालने के। अब मुझे मान लेते हैं कि रेंज निकालनी है कहां की, इस वीक की रेंज निकालनी है, इस वीक की पूरी रेंज निकालनी है। चलो ये वीक तो खत्म नहीं होना, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और इस वाली इसकी रेंज निकाल लेते हैं, 30th कौन से वीक की निकाल लेते हैं, थर्सडे टू थर्सडे, यहाँ पर ये जो भी खत्म हुआ, ये वाला भी खत्म हुआ, तो हमें कम से निकालनी है 13 तारीख को आना है, 13-14 तारीख के आसपास। 13 तारीख को क्या था, ये क्या था भाई, 13 तारीख को, 13 तारीख को थर्सडे था, करेक्ट, 14 तारीख, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थर्सडे को जहां आपकी मार्केट बंद हुई थी वहां पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है। तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली मैंने, ये यहाँ पर आपकी 13 तारीख के थर्सडे को मार्केट बंद हुई थी। हाइपोथेटिकली मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला मूव जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये जो मूव देखने को मिल रहा है, ये आया ही नहीं है, ये अभी आया नहीं है। तो इसकी रेंज अगर हमें निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, रेंज अगर हमें निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो आपको देखना है कि मार्केट इंडिया वीक्स के चार्ट पे चले जाना और देखना कि 13th को इंडिया वीक्स में 13th ऑफ जुलाई को कितने में बंद हुई थी। 13th ऑफ जुलाई को आ जाते हैं, 13th ऑफ जुलाई, थर्सडे, ये देखो
13 जुलाई है, 13 जुलाई तीन, ओके तो ये बंद हुई थी कितने पर, 10.82। हमें इंडिया विच लेनी है क्लोजिंग टाइम की, जिस दिन से हमें करना, तो उससे पिछले दिन की, प्रीवियस दिन की इंडिया विच की वैल्यू देखनी है 10.82। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है गाइस, याद रखना, आईवी जिस वीक को खत्म हुई है, आईवी डिवाइडेड बाय मैजिक नंबर, ठीक है, मैजिक नंबर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो क्या आता है 10.28, और हमारा मैजिक नंबर क्या है 8.54, जो अभी अभी मैंने निकाला था, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको याद रखनी है, मैं दोबारा डबल कंफर्म कर लेता हूँ, 13 तारीख को हमारा क्या था 10.82 डिवाइडेड बाय 8.454, ये आपका हो गया। अब इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर क्या बोलता है, इसका कैलकुलेटर क्या बोलता है, 10.82 डिवाइडेड बाय मैजिक नंबर 8.54, आपकी या इज इक्वल टू करेंगे तो आपकी रेंज निकल के आ गई, क्या है गाइस स्क्रीन के ऊपर देखो 126, यही निफ्टी के लिए, यही बैंक निफ्टी के लिए, यही निफ्टी के लिए, वही बैंक निफ्टी के लिए 126%। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर लाइन से जो आपकी क्लोजिंग लाइन थी, ठीक है, जो हमने खींची थी 13 जुलाई को क्लोजिंग लाइन थी, यहां से 1.26% ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक लाइन खींच ली और 1.26% नीचे की तरफ आपकी लाइन खींच ली। तो चल एक्सेप्शंस भी होते हैं इसके अंदर गाइस, उसके बारे में बात करूंगा। तो मैंने ये रेंज बना ली गाइस, ये जो रेंज बना ली मैंने, दिस रेंज अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या बोलती है कि बैंक निफ्टी यहां तक जा सकती है और यहां तक जा सकती है, इसकी रेंज थी। मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को तोड़ दिया, मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को तोड़ दिया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। ऐसे सिचुएशन के अंदर मार्केट जब रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाती है ना, तो इसकी रेंज का डबल भी आप ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो। और यहां पर ना मैजिक देखना, डबल लेने के बाद क्या होगा, ये देखो जब आपकी रेंज टूट जाती है, इसका डबल ले सकते हो। और रेंज देखो मार्केट, ये क्या निकल के आ रहा है, ये लेवल क्या आपने हवा में खींचे, नहीं, वेरी सॉलिड लॉजिक, और ये इसको बहुत सुंदर तरीके से फॉलो करता है, सुंदर। आज ये स्पॉट क्यों लिया, यहां पर क्यों लिया, ठीक है, ये रेंज को ही रिस्पेक्ट करता है। अब मार्केट मोस्ट लाइकली इस रेंज के अंदर आना चाहता है, ठीक है, ये आना चाहता है, इसके इस तरफ का रेंज बनता है, ठीक है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, 1.26% दोबारा से निफ्टी के अंदर भी देखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमें जाना है कहां से निकाला था हमने, थर्सडे का, तो हमें थर्सडे देखना है कहां पर बंद होता, बंद हुआ था मार्केट, मार्केट बंद होता यहां पर, यहां से सेम सिनेरियो 1.26% लेवल देखना अपने आप, चलो नीचे तो आया नहीं मार्केट, फिर मैं यहां पर नहीं बना रहा हूं, लेकिन इसका ऊपर की तरफ 1.26% देख लेंगे, मार्केट ने इसको तोड़ा, जो एक शॉर्ट कर ले, लेकिन इसके बाद में दोबारा से अंदर आ गया इस रेंज के अंदर, क्योंकि डबल रेंज के ऊपर थोड़ा जाना मुश्किल होता है। तो मार्केट दोबारा से अंदर आ गया, दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ गया, दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ गया, ठीक है, दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ गया। तो ये रेंज जो है आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो वीकली बेसिस पे। कई लोग बोलेंगे सर जी वीकली तो ठीक है, लेकिन हम तो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, तो हम इसे रोज कैसे निकाल सकते हैं, ट्रेड ट्रेड के हिसाब से। फिर आप रोज का रोज निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, चलो वो भी देख लेते हैं। रोज के लिए क्या करना है गाइस, सेम चीज, सेम फॉर्मूला। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मेरा मैजिक नंबर चाहिए। मैजिक नंबर हमने किसके हिसाब से निकाला था, वीक के हिसाब से 5, आप उसको एक कर सकते हो, मतलब स्क्वायर रूट 365 डिवाइडेड बाय 1, ये आपका मैजिक नंबर दे देगा, क्योंकि आपको एक ही दिन का निकालना है। तो यहां पर स्क्वायर रूट किया 365 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 19.10 आ गया। आपको क्या करना है, इंडिया वीक्स का जो नंबर आएगा कल की क्लोजिंग का, उसका उसको डिवाइड करना है 19.10 से। अब चलते हैं सीधा इंडिया वीक्स के चार्ट के ऊपर, और यहां पर
आ जाते हैं, देखते हैं कि कल मार्केट कहां क्लोज हुई थी। मैं आज का छोड़ देता हूं, 24 छोड़ देता हूं, ये पकड़ लेते हैं मार्केट कहां क्लोज हुई थी। देखो 11.37, ठीक है, तो कैलकुलेटर उठा लो, 11.37 डिवाइडेड बाय 19.10 इज इक्वल टू 0.59%, 0.59%। ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं भाई, दिमाग के तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। ये आज देखना कि मार्केट कहां खुली, कल कहां क्लोज हुई थी मार्केट, 21 तारीख, ठीक है, ये यहां क्लोज हुई थी मार्केट, करेक्ट। अब यहां से मुझे क्या करना है, 1.59% नीचे की तरफ, सो 0.59% नीचे की तरफ, और 0.59 ऊपर की तरफ। ये बैंक निफ्टी की आज की रेंज थी, इसकी औकात क्या थी, आज इसके अंदर रहने की। मार्केट क्या किया इस रेंज को पूरी तरीके से, क्या क्या नहीं किया तुम्हारे सामने, इसको और अच्छे तरीके से करने के लिए आप इसका ना 50% भी ले सकते हो, आपको बीच का भी एक लेवल मिल जाएगा, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये देख, ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। निफ्टी की बात, नहीं निफ्टी का, बैंक निफ्टी देखना है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं, 15 मिनट का चार्ट, अच्छी मार्केट, इंडस बैंक है, सॉरी बैंक निफ्टी, इसको करते हैं डिलीट, इनके लेवल जो बनाए थे, और कल की क्लोजिंग पर, 21 तारीख की क्लोजिंग पर लगाएंगे हम मोहर। हाँ बंद हुई थी मार्केट यहाँ पर, यहाँ बंद हुई थी, करेक्ट, 0.59% ऊपर की तरफ। ध्यान से देखना, मजे आएंगे, ये आ गया ऊपर की तरफ और 0.59 नीचे की तरफ। सेम वे में इनका 50-50% भी मार्क कर लो, ताकि आपको बीच का भी लेवल मिल जाए। आप अपने आप हो जाओगे, देख इस तरीके से मार्केट काम करती है, बूम। क्या मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया? बिल्कुल रिस्पेक्ट किया, चॉपी थी लेकिन लेवल्स को ब्यूटीफुल तरीके से इसने रिस्पेक्ट किया। देखो निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी ने भी, ठीक है। अगर फाइनेंशियल निफ्टी को देखना है, फाइनेंशियल निफ्टी को भी देख लेंगे सेम लेवल के ऊपर, फाइनेंशियल निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह काम किया इसने, तो उसमें कुछ खास तो नहीं है, 0.59। तो ज्यादा मोमेंटम आना चाहिए था लेकिन आया नहीं है, ठीक है। इसको भी मार्केट ने थोड़ा रिस्पेक्ट देने की कोशिश की, हो सकता है हमसे ऊपर नीचे हो गया हो थोड़ा सा, देखो ये लाइन थोड़ी सी नीचे आएगी, ऊपर नहीं आएगी, ये यहां पर आएगी और ये लेवल भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा 19-20 का नंबर फर्क जो है वो चलता है गाइस बहुत अच्छे तरीके से। बट जो आप रेंज डिसाइड करते हो ना, वो इसी तरीके से डिसाइड करते हो आप। आई होप आपको फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से आप डेली वीकली कैलकुलेट कर सकते हो रेंज, उसके हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। तो ये इंडेक्स की रेंज डिसाइड करने का फॉर्मूला है यूजिंग इंडिया विक्स, जो मैंने आपको दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स अ पेड लर्निंग, प्राइस एक्शन की बहुत सारी किताबों में भी मेंशन है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग और किसी का पर्सनल नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो आई एम नॉट शेयरिंग समथिंग न्यू, और आई एम नॉट सेइंग कि ये मेरा है, ठीक है, डेफिनेटली ये मेरा नहीं है, आई एम सीरियसली सेइंग इट्स अ वेल नोन थिंग बाय गिवन बाय आर यू नो हमारे फेलो ट्रेडर्स, जो पुराने ओल्ड स्कूल के ट्रेडर्स, उन्होंने ऑलरेडी बना के दे रखा, सो जो पुराने स्कूल के लोग हैं जिन्होंने सीखा है, जो सीखते हैं, लर्न किया है, उनको ये डेफिनेटली पता है आप कैसे रेंज निकाल सकते हो, और आज के बाद आपको भी पता है, क्यों, क्योंकि आप भी सीखना शुरू कर रहे हो आपके अपने चैनल ट्रेडिंग मित्र पर। ये चीज समझ में आई हो बिल्कुल, तो आप टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मेरे को बता सकते हो, और फटाफट मैं आपके लिए इसी बात पर कल के लिए भी रेंज बना दूंगा। तो कल के लिए रेंज कैसे बना सकते हैं, इंडिया विक्स पे आ जाते हैं। आज की इंडिया विक्स कितने बंद हुई है, 11.57 के ऊपर इंडिया विक्स बंद हुई है, तो मैं यहां पर आ जाऊंगा और मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट 365 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 19.10,
ठीक है। और इंडेमिक्स कितने में बंद हुई है? 11.57। ठीक है, नंबर्स एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। 11.57 डिवाइडेड बाय 19.10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ करेक्ट, इज इक्वल टू 0.60। तो 59 की जगह 60 की रेंज हो गई है इसकी, ठीक है, 60 की रेंज हो गई है। तो आप हमारी मार्केट कहाँ क्लोज हुई है? हमारी मार्केट क्लोज हुई है यहाँ पर 19-20 ऊपर से लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ से 0.60% ऊपर की तरफ, ठीक है, 0.60 नीचे की तरफ, थोड़ा सा 19-20 चलेगा गाइस लेवल्स के अंदर, वो देख लीजिएगा। यहां से इसको करेंगे हम मिड को भी मार्क, 50% के एरिया को भी मार्क करेंगे, इसके भी 50% एरिया को मार्क करेंगे। तो मार्केट के लिए कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं गाइस, ये आपके लेवल रहने वाले हैं। अगर मार्केट इन लेवल्स को तोड़ता है ऊपर की तरफ से जा सकता है, हाँ अगर ये ऊपर वाला लेवल टूटता है तो आपको पता है क्या करना है, आपको इसके ऊपर डबल ये वाला लगा लेना है, ठीक है, मार्केट की जो एक्सट्रीम रेंज हो जाएगी डबल हो जाएगी अगर ये मार्केट इसको सस्टेन करता है। लेकिन एक बात को याद रखना, मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ता है, ठीक है, और बहुत बड़ी चल जाती है, एक बार तोड़ने के बाद इसको रिटेस्ट करेगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये रिटेस्ट जरूर करके जाता है, ये सिनेरियो आपको याद रखना है। तो एक ये रेंज हो गई, ठीक है, किसकी हो गई? ये फाइनेंशियल निफ्टी की, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, आप इसको याद रख सकते हो। बैंक निफ्टी की रेंज को पता लगा लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या रेंज आएगी कल की, ज्यादा बड़ी रेंज है नहीं यार, लेकिन अगर मेरे को लगता है कल डबल रेंज हो जाएगी, क्योंकि ये ना इसके ऊपर भी तोड़ देगा, तो मैं बना ही देता हूं, मुझे हाई चांस लग रहा है कि कल डबल रेंज बनेगी और कल मार्केट इतना भाग जाएगी 46,200, ये तोड़ता है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके अब जो रेंज है वो रेंज है, आपको मैंने बता दिया तरीका दोनों का, कल की जो रेंज है वो 60% तक की रेंज है और इसका जो है वो नीचे की तरफ से 50% भी ले सकते हैं, ये 50% दोबारा से लेंगे। सदा जी थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग विद तरुण, और इसका भी लेंगे ये वाला हिस्सा, ये आपके लेवल्स बन जाएंगे, इसका भी लेंगे 50%। बेसिकली तो मिड के ऊपर है तो भाई बुलिश है, मिड के नीचे है तो बेरिश है, तो ये हो गए आपके निफ्टी 50 के भी, ऐसे आप निकाल सकते हो जो लेवल्स हैं आपकी जहां क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, यहां से 60% ऊपर 0.60 लग रहा है कल डबल जाएगा, भाई कल डबल जाएगा याद रखना, कल का सिनेरियो सिर्फ सिंगल रेंज से काम नहीं चलेगा, डबल रेंज पे काम करेगा मार्केट, ठीक है। बाकी कल देखेंगे, क्योंकि कल मुझे बड़ा बड़ा अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, एनालिसिस वीडियो जरूर देखना, एनालिसिस वीडियो में पता लग जाएगा मैंने वो लेवल्स दिए, ये लेवल्स भी काफी अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर मैंने आपको दे दिए, और कल के लिए तो बाय साइड पे जैसे ही मार्केट 723 के ऊपर निकलता है ना बैठ जाना, बस छोड़ना नहीं है अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, मार्केट के ऊपर के लेवल है, एनालिसिस वीडियो देखोगे तो ये टारगेट भी आपको आराम से दिखाई दे देंगे जो मैंने आपको बताया है, कि ऊपर के टारगेट ज्यादा दे रहा हूँ नीचे के कम दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर के ही टारगेट दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। ये कल के ही रेट पर मुझे लगता है अगर रेंज फटने शुरू हुई तो मार्केट इन लेवल्स पर जाकर रुकेगा, इन लेवल्स को कदर करेगा, पहले तो यही है मैक्स लेवल, ये टूट गया तो मैक्सिम ये एक्स्ट्रा लेवल्स हैं जो ऊपर के तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये लेवल्स आप भी ड्रॉ कर सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, बना सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसी और लर्निंग वीडियो आपके लिए लेके आए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि और वीडियो आ सके।
चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी यू वेरी सून, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।